75 डेज हार्ड चैलेंज डे 6, जिसमें सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे से और फिर हम वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। 5 किलोमीटर वॉक करने के बाद हम करते हैं एक्सरसाइज। श्रेया का गला खराब हो रहा है तो आज रिकॉर्डिंग मैं ही करने वाली हूँ, बस अभी आपको बता रहे थे कि हाँ रियली खराब है। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम वार्म अप कर लेते हैं, तो हमने पहले नेक एक्सरसाइज की, लेग स्ट्रेचिंग और साथ ही साथ हमने जंप किया, तो ऐसे हमारा वार्म अप कंप्लीट होता है। स्क्वाट्स किए 20 सेट के, अल्टरनेट टो टच करने के बाद हमने लास्ट में प्लैंक किया, उसके हमने 50 सेकंड के 3 सेट कंप्लीट किए, तो ऐसे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थोड़ी देर हम ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो अवेलेबल मशीनें रहती है उन पर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज छुट्टी थी तो बस हमने क्या किया, थोड़ी देर और टाइम स्पेंड किया पार्क में ही। सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके हम घर की ओर आ जाते हैं और क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर योगा सेशन चल रहा था, तो बस फिर उसे देखते हुए हम घर की ओर आ जाते हैं। घर का काम शुरू हो जाता है तो हमने सबसे पहले तो जो बिस्तर छोड़ के गए थे हम बस उसे फटाफट से समेटा और हम छत पे व्यू देखने के लिए आते हैं और क्या देखते हैं कि तफी के तो स्टंट कभी ख़त्म ही नहीं होते, वो नए नए कलाकारियाँ करती रहती है। सूर्य को भी देख लीजिए, सूर्य के दर्शन करके हम नीचे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बादाम खा लेते हैं सबसे पहले, तो सोख की हुई बादाम और गर्मा गर्म दूध पीते हैं और हमारे फेवरेट रोस्टेड मखाने और एप्पल का नाश्ता कर लेते हैं। संडे की छुट्टी थी तो हमने क्या किया, पूरा नीचे तक झाड़ू लगा लिया अच्छे से, साफ सफाई निपट जाती है तो घर की भी सफाई चालू हो जाती है। वो निपटाने के बाद श्रेया का काम शुरू हो जाता है, तो श्रेया लंच की प्रिपरेशन करती है और साथ ही साथ मैं सब्जी भी बना देती हूँ। जैसे ही हमारा दिन का काम निपटता है ना तो हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से लंच करते हैं और बाकी टास्क पूरे करने के दौड़ में लग जाते हैं। तो हमने आज की सेल्फी ले ली और उसके बाद बुक रीडिंग वाला टास्क भी तो करना है, तो बुक को रीड कर लिया। आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इकिगाई पढ़ी और साथ ही साथ माय जर्नी श्रेया ने पढ़ी अब्दुल कलाम जी की। वैसे ये स्पॉन्सर्ड नहीं है पर आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन देती है ये बुक्स। डिनर की प्रिपरेशन करने के बाद, डिनर बनाने के बाद हम वर्कआउट कर लेते हैं शाम का और वही एक्सरसाइज करते हैं जो हम डे वन से ट्राई कर रहे हैं, ताकि हम 75th डे तक बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए इसे। जैसे ही वर्कआउट कंप्लीट होता है ना तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और छुट्टी है आज तो हम क्या करते हैं, भैया के साथ बाहर टहलाते, घूम लेते हैं थोड़ा बाहर की ताज़ी हवा लेने के बाद। डिनर का समय हो गया था तो हम घर आ जाते हैं और डिनर कर लेते, तो हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो गए और हमारा बहुत ही अच्छे से डे 6 कंप्लीट हो गया। 75 डेज हार्ड चैलेंज में अब बचते हैं 69 डेज, और अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।